ओम प्रकाश, आपने व्यूअर्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ कि हमारे केस की जो ग्रो है इसके लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण टिप्स हैं। इसके लिए सबसे पहले जरूरी है हाइड्रेशन। यदि हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड होगी तो ये हमें कई प्रकार के एक्नीस स्कार्स बन जाएंगे। नंबर टू, डाइट। हमारी डाइट का अच्छा होना भी बहुत जरूरी है। यदि हम हेल्दी डाइट नहीं खाएंगे तो ये भी हमारी बॉडी में या हमारे फेस में एक्नीस या पोर्स बन जाएंगे। नंबर थ्री, एक्सटर्नल टॉक्सिन्स जो भी है वो भी हमारे अंदर एक्नीस या पोर्स को पैदा करते हैं। नंबर फोर, एक्सटर्नल फैक्टर्स हमारा एनवायरमेंट या सेसिव हीट। इसके लिए हमें बार बार अपने फेस को फेस वॉश से वॉश करना होगा। जब भी हम ज़्यादा धूप में जाते हैं तो सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना होगा। नंबर फाइव, एक्सरसाइजेस जो कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करती हैं। जब हमारी एक्सरसाइज से जो एक्स्ट्रा फैट है हमारे फेस का, एक्स्ट्रा चर्बी है वो ठीक हो, हमें वो एक्सरसाइजेस करनी है। सबसे पहले हमें जो एक्सटर्नल टॉक्सिन्स है उसे ठीक करने के लिए क्या करना है। नंबर वन इज आयल पुलिंग। जो आयल पुलिंग क्या है, हमें एक चम्मच कोकोनट आयल का लेना है, आपने उसको मुंह में डालना है, उसको आपने इसको 5 से 10 मिनट तक करना है। इसके करने से हमारे गम्स को स्ट्रेंथ मिलती है, जितने भी हमारे अंदर के टॉक्सिन्स हैं वो नष्ट होते हैं। इससे एक्नीस या जितने भी पोर्स हमारे चेहरे पर बनते हैं वो सब खुलते हैं, हमारे फेस मसल्स को नरिशमेंट मिलती है, उसकी एक्सरसाइज होती है। इसलिए ये आयल पुलिंग नंबर वन है यदि आप अपने चेहरे में ग्लो चाहते हैं। नंबर दो, पानी खूब पिए। नंबर तीन, डाइट अच्छी लें, अपने डाइट में जंक फूड वगैरह बिल्कुल ना खाएं। अपने डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ड्राई फ्रूट्स, नट्स वगैरह को इस्तेमाल करें। नंबर फोर इज, यदि आपका वो जो ज्यादा धूप में जा रही है तो सनस्क्रीन यूज करें। यदि आपका पोल्यूशन ज्यादा है तो बार बार अपनी स्किन को वॉश करें, जहां कोई भी बढ़िया जो है आपका फेस लोशन, फेस वॉश, उसको इस्तेमाल करें। इसके लिए प्राणायाम कौन सा जरूरी है, यदि आप समर पीरियड है तो इसके लिए शीतली बहुत ही जरूरी है। शीतली प्राणायाम आपने अपने टांग को फोल्ड करके 30 से 40 सेकंड्स तक आपने सांस को इनहेल करना है, फिर नाक के द्वारा सांस को छोड़ना। ये आपने समर में करना है कि आपने ये ख्याल रखना है कि जो इनहेलिंग है आपने आस्ता आस्ता बढ़ानी है। इसकी इनहेलिंग 30 से 40 सेकंड तक आप ले जाए। जितना आप इसको ज्यादा इनहेल करेंगे आपके ब्लड सर्कुलेशन फेस की बढ़ेगी। ये शीतली बहुत ही उपयोगी है। नंबर दो, शीतकारी, ये भी गर्मियों के लिए है। आपने अपने दांतों को बंद करना, फिर नाक के द्वारा सांस छोड़ना, ये भी आपने कोशिश करनी है। डीप ब्रीदिंग आपने कम से कम 30 से 40 सेकंड तक इसको आपने होल्ड कर दिया, ब्रीदिंग इसको इनहेल करना, ये बहुत ही जरूरी है। कितने समय तक आप अपने लंबा गहरा सांस लेते हैं, जितना आप लंबा गहरा सांस लोगे उतना ही ये उपयोगी है, उतने आपके चेहरे के ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगी। नंबर तीन, आपने अल्टरनेटिव रेस्पिरेशन लेना है, अनुलोम विलोम, पर इसमें क्या करें,
आपने एक नोस्टल से लंबा गहरा सांस लिया, फिर आपने उसको होल्ड करके रखना, होल्ड इट फॉर 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड्स, देन इसके आपने सांस को लेना है एक नाक से, फिर आपने उसको अपने रेस्पिरेशन को होल्ड करके रखना है। जितने समय तक आप इसको होल्ड करके रखेंगे आपकी ब्लड सर्कुलेशन फेस की उतनी बढ़िया है और आपने फेस पर उतना ही ग्लो है। फिर आपने लंबे लंबे गहरे सांस लेने, ये भी हमारे फेस के ग्लो को बढ़ाते हैं। ये आप प्राणायाम एक्सरसाइज शुरू करें। इसके अलावा सर्वांग आसन बहुत ही उपयोगी है, हल आसन बहुत ही उपयोगी है। इसके अलावा आपने जो भुजांग आसन बहुत ही उपयोगी है, धनुरासन बहुत ही उपयोगी है, नौकायन आसन ये बहुत ही उपयोगी है। यदि आप किन टिप्स को अपने ध्यान में रखेंगे आपका फेस एकदम ग्लो आएगा, आपके फेस में लालिमा होगी और आपका चेहरा एक अट्रैक्टिव चेहरा होगा। गॉड ब्लेस यू और आप सभी हंसते मुख हंस मुख और सदा खिलने वाले चेहरे के साथ रहें। थैंक यू फॉर